ओम श्री हरि। आज हम विनय पत्रिका के पद संख्या 95 से 98 का पाठ करेंगे। आइए आरंभ करते हैं। तवो न मेरे अघ अवगुण गनी है, जुजम राज काज सब परिहरी, इह खयाल उर अनि है, चल हैं छूटे पंज पापिन के, हसमन जस जिय जनी है, देखी खरल अधिकार प्रभु सो, मेरी पूरी भलाई भनी है, हंस करी है परतीति भगत की, भगत सिरो मनी मनी है, जो जो तुलसी दास को सलपति अपना यही पर बनी है। इस पद में तुलसीदास जी कहते हैं, हे श्री राम जी, यदि यमराज सब काम काज छोड़कर केवल मेरे ही पापों और दोषों का हिसाब किताब का ख्याल करने लगेंगे तब भी उनको गिन नहीं सकेंगे, क्योंकि मेरे पापों की कोई सीमा नहीं है, और जब वे मेरे हिसाब में लग जाएंगे तब इन्हें उधर उलझे हुए समझकर पापियों के दल छूट छूट कर भाग जाएंगे। इससे उनके मन में बड़ी चिंता होगी। मेरे कारण से अपने अधिकार में बाधा पहुंचते देखकर भगवान के दरबार में अपने को निर्दोष साबित करने के लिए वे आपके सामने मेरी बहुत बड़ाई कर देंगे, कहेंगे कि तुलसीदास आपका भक्त है, इसने कोई पाप नहीं किया, आपके भजन के प्रताप से इसने दूसरे पापियों को भी पाप के बंधन से छुड़ा दिया। तब आप हंसकर अपने भक्त यमराज का विश्वास कर लेंगे और मुझे भक्तों में शिरोमणि मान लेंगे। बात यह है कि हे कोशलेश, जैसे तैसे आपको मुझे अपनाना ही पड़ेगा। जो पय जिय धरी हो अवगुण जन के, तो क्यों कटत सुकृत नख ते मो पय, विपुल वृंद अघ बन के, कहे कौन कलुष मेरे कृत, कर्म वचन अरु मन के, हरहि अमित शेष सारद श्रुति, गिनत एक एक क्षण के, जो चित चढ़े नाम महिमान जो, गुनगन पावन पन के, तो तुसे ही तारी हो वे प्रजो, दसन तोरी जम गन के। इस पद में तुलसीदास जी कहते हैं, हे नाथ, यदि आप इस दास के दोषों पर ध्यान देंगे तब तो पुण्य रूपी नख से पाप रूपी बड़े बड़े वनों के समूह मुझसे कैसे कटेंगे, मेरे जरा से पुण्य से भारी भारी पाप कैसे दूर होंगे, मन वचन और शरीर से किए हुए मेरे पापों का वर्णन भी कौन कर सकता है। एक एक क्षण के पापों का हिसाब जोड़ने में अनेक शेष सरस्वती और वेद हार जाएंगे। मेरे पुण्यों के भरोसे तो पापों से छूट कर उद्धार होना असंभव है। यदि आपके मन में अपने नाम की महिमा और पतितों को पावन करवाने वाले अपने गुणों का स्मरण आ जाए तो आप इस तुलसीदास को यमदूतों के दांत तोड़कर संसार सागर से अवश्य वैसे ही तार देंगे जैसे अजामिल ब्राह्मण को तार दिया था। जो पै हरि जन के अवगुण गहते, तो सुर पति कुर राज बाली सो, कतहठी बैर भी सहते, जो जप जाग जोग व्रत वर्जित, केवल प्रेम न चाहते, दुकत सुर मुनि बर बिहाय व्रज, गोप गेह बसी रहते, जो जहाँ तहाँ प्राण राखी भगत को, भजन प्रभाउ न कहते, तो कलि कठिन करम मारग जड़, हमके ही भांति निभते, जो सुत हित लिए नाम अजामिल, के अघ अमित न दहते, तो जम भट सांसति हर हमसे, वृषभ खोज खोज नहते,
जो जग वेदित पातित पावनवती भाकुर वीरद न बहते तो बहु कलप कुटिल तुलसी से सपने हूँ सुगति न लहते। इस पद में तुलसीदास जी प्रभु श्री राम जी की वंदना करते हुए कहते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु आप दासों के दोषों पर ध्यान नहीं देते। हे राम जी यदि आप दासों का दोष मन में लाते तो इंद्र दुर्योधन और बाली से हट करके क्यों शत्रुता मोल लेते। यदि आप जप यज्ञ योग व्रत आदि को छोड़कर केवल प्रेम ही ना चाहते तो देवताओं श्रेष्ठ मुनियों को त्याग कर ब्रज में गोपों के घर किस लिए निवास करते। यदि आप जहाँ तहाँ भक्तों का प्रण रखकर भजन का प्रभाव न बखानते तो हम सरीखे मूर्खों का कलयुग के कठिन कर्म मार्ग में किस प्रकार निर्वाह होता। हे संकटहारी यदि आपने पुत्र के संकेत से नारायण का नाम लेने वाले अजामिल के अनंत पापों को भस्म न किया होता तो यमदूत हम सरीखे बैलों को खोज खोज कर हल में ही जोतते। और यदि आपने जगत प्रसिद्ध पतित पावन रूप का बाना नहीं धारण किया होता तो तुलसी शरीर के दुष्ट तो अनेक कल्पों तक स्वप्न में भी मुक्ति के भागी नहीं होते। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति निज प्रभुता बिसार जन के बस होत सदा यह रीति। जिन बांधे सुर असुर नाग नर प्रबल करम की डोरी सुई अविछिन्न ब्रह्म जसुमति हठ बांध्यो सकत न छोरी। जाकी माया बस बिरंच सेव नाचत पारन पायो अर्तल ताल बजाय ग्वाल जुव तिन सुई नाच न छायो। विश्वंभर श्रीपति त्रिभुवन पति वेद वेदित यह लीक बलि सो कुछ न चली प्रभुता भरु है द्विज मांगी भीक। जाको नाम लिए छूटत भव जन्म मरण दुख भार अम्बरीश हित लागे कृपानिधि सुई जन्मी दस बार। जोग विराग ध्यान जप तप करी जेहि खोजत मुनि ज्ञानी वानर भालु चपल पशु पामर नाथ कहाँ रति मानी। लोक पाल जम काल पवन रवि शशि सब आज्ञाकारी तुलसीदास प्रभु उग्रसेन के द्वार भेंट कर धारी। इस पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रीहरि अपने दास पर इतना प्रेम करते हैं कि अपनी सारी प्रभुता भूलकर उस भक्त के ही अधीन हो जाते हैं। उनकी यह रीति सनातन है सदा से। जिस परमात्मा ने देवता दैत्य नाग और मनुष्यों को कर्मों की बड़ी मजबूत डोरी से बांध रखा है उसी अखंड परम ब्रह्म को यशोदा जी ने प्रेमवश जबरदस्ती उखल से ऐसा बांध दिया जिसे वह खोल भी नहीं सके। जिसकी माया के वश होकर ब्रह्मा और शिवजी ने नाचते नाचते उसका पार नहीं पाया उसी को गोप रमणियों ने ताल बजा बजा कर आंगन में नचाया। वेद का यह सिद्धांत प्रसिद्ध है कि भगवान सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले लक्ष्मी जी के स्वामी और तीनों लोकों के अधीश्वर हैं। ऐसे प्रभु की भी भक्त राजा बलि के आगे कुछ भी प्रभुता नहीं चली वरन प्रेमवश ब्राह्मण बनकर उनसे भीख मांगनी पड़ी। जिसके नाम स्मरण मात्र से संसार के जन्म मरण रूपी दुखों के भार से जीव छूट जाते हैं उसी कृपानिधि ने भक्त अम्बरीश के लिए स्वयं 10 बार अवतार धारण किया। जिसको संयमी मुनिगण योग वैराग्य ध्यान जप और तप करके खोजते रहते हैं उसी नाथ ने बंदर रीछ आदि नीच चंचल पशुओं से प्रीति की। लोकपाल यमराज
काल, वायु, सूर्य और चंद्रमा आदि सब जिसके आज्ञाकारी हैं, वही प्रभु प्रेमवश उग्रसेन के द्वार पर हाथ में लकड़ी लिए तलवार की तरह खड़ा रहता है। ओम श्री हरि।